हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड फैक्ट में। दोस्तों, स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी फेमस क्यों है? साल 2015 में बहुत से कॉफ़ी ब्रांड चल रहे थे, तभी इंटरनेट पर कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल हुई जिसमें कॉफ़ी पर कस्टमर का नाम लिखा था। ये देख कपल्स वहां जाने लगे कि स्टारबक्स उनका नाम कैसे लिखता है। दोस्तों, आमतौर पर क्लोरोफॉर्म किसी भी इंसान को बेहोश करने के लिए 6 से 8 मिनट लेती है, ना कि 5 से 10 सेकंड जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछता है कि एक सवाल पूछना है, तो हाल ही में किए गए सारे गलत काम आपके दिमाग में घूमने लगते हैं और इसका असर आपके चेहरे पर दिखने लगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अब 1 मिनट के समय को घटाकर 60 सेकंड से 59 सेकंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि पृथ्वी अब ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रही है, इससे बहुत कुछ बदल सकता है। दोस्तों, फिनलैंड में जब पुलिस को एक क्रिमिनल की तलाश थी, तो उसकी कार की तलाशी लेने पर पुलिस को एक मच्छर के अलावा कुछ नहीं मिला। बाद में जब उस मच्छर की जांच की गई, तो उसके पिए हुए खून से क्रिमिनल का पता लगा लिया। दोस्तों, सन 2011 में एक रोबोट बनाया गया और वैज्ञानिकों द्वारा उससे पूछा गया कि तुम इंसानों पर राज करोगे, तो उस रोबोट ने आंसर किया कि तुम चिंता मत करो, हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस उन्हें कैद में रखेंगे। ऐसा कहने पर वैज्ञानिकों ने उसे डिसमेंटल कर दिया। दोस्तों, आईफोन का एप्पल लोगो, जो कि इसकी वजह से लोग 1 से 1.5 लाख खर्च कर देते हैं, असल में आईफोन का पहला लोगो एप्पल नहीं था। इसकी जगह एप्पल का एक पेड़ था जिसके नीचे न्यूटन बैठा था। दोस्तों, आप जानते हैं हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए इसमें भारतीय सेना किस चीज का यूज करती है? दोस्तों, हैंड ग्रेनेड बनाने के लिए भारतीय सेना दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जलोकिया का इस्तेमाल करती है, और इस काली मिर्च में टीयर गैस होती है और इसका इस्तेमाल दंगों फसादों में किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 क्यों आया, 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस साल आईफोन 9 आने वाला था, उस साल आईफोन वालों की 10th एनिवर्सरी थी, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन लॉन्च हुआ था और वो अपने आईफोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य की एक भी परिक्रमा पूरी नहीं की, यानी इस ग्रह पर अभी तक 1 साल पूरा हुआ ही नहीं है। इस ग्रह को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इस ग्रह ने केवल सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है। ये ग्रह साल 2178 में अपनी 1 परिक्रमा पूरी करेगा। इस हिसाब से पृथ्वी पर 248 साल और इस ग्रह पर 1 साल के बराबर है। पापा,